आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा रहेगा। आपको बता दें कि इस दौरान भारतीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, आज गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, जहां भारतीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे। तो गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसमें 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज गुजरात को दी जाएगी। तो आवास योजना के लाभार्थियों को इस दौरान घर की चाबी प्रधानमंत्री मोदी सौंपेंगे। तो गिफ्ट सिटी का भी दौरा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान करने वाले हैं। तो गुजरात का दौरा करने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कई परियोजनाओं की सौगात आज गुजरात को देंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत भी वो करने वाले हैं। तो गिफ्ट सिटी का भी दौरा प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान होने वाला है। वहीं भारतीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में भी उन्हें शामिल होना है। तो गांधीनगर में कई योजनाएं, आवास योजना के तहत आज 4400 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसकी सौगात आज गुजरात को दी जाएगी और कई लाभार्थियों को इस दौरान उनकी घर की चाबी भी सौंपी जाएगी। भारतीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल रहेंगे। तो अपने लिहाज में देखें, गुजरात का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। जहां भारतीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में उन्हें शामिल होना है, तो वहीं आवास योजना के तहत आज कई ऐसे परिवार जो कहीं ना कहीं अपने घर होने से वंचित थे, ऐसे में उनका एक घर का सपना जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है, और ऐसे में आज उन्हें उनके घर की चाबी को भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं। तो गिफ्ट सिटी, वहां का भी दौरा प्रधानमंत्री मोदी का इस गुजरात के दौरे के दौरान रहने वाला है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का, हर एक कार्यक्रम जिसकी रूपरेखा को तय किया गया है। 44 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसकी सौगात आज वहां पर लोगों को दी जाएगी। तो पूरे दिन का ये कार्यक्रम रहेगा और 19,000 लाभार्थी, जहां पीएम आवास योजना के तहत उनको उनके घर की चाबी मिल पाएगी। तो एक सपना है प्रधानमंत्री मोदी का कि हर एक शख्स का घर हो और अपनी छत हो। तो ऐसे में उसी सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जहां गुजरात के दौरे के दौरान, वो 19,000 लाभार्थियों को उनके घर की चाबी को आज सौंपने वाले हैं। तो गांधीनगर का भी रुख रहेगा, जहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास करना है और भारतीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में भी प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे।